Good morning, students. I hope you all enjoyed your holiday. But now it's time to focus again on your study. Today we are going to start new lesson, that is lesson number 5. Houses we live in. यानि कि हम इस lesson में हम houses के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस जितने तरीके के houses होते हैं या जिन तरह के घरों में हम रहते हैं. हम इस बार इस lesson में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन-कौन से तरीके के houses होते हैं जिसमें लोग रहते हैं. Earlier people did not stay at one place. They used to roam around to find food. They did not have houses. They lived in caves. आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी है कि शुरुआत में जब इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए थे, घर वगैरह नहीं हुआ करते थे, जो अर्ली मैन्स हैं वो घर में नहीं रहते थे, वो वन प्लेस से अनदर प्लेस जो है घूमते रहते थे, क्योंकि उस समय जो है खाना जो है अवेलेबल नहीं था, वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और वो हाउसेस में नहीं रहते थे. वो जंगलों में या तो पेड़ों के नीचे रहा करते थे या जंगलों में गुफाओं अगर होती थी तो वहाँ गुफाओं में रहा करते थे और घर उस समय नहीं हुआ करते थे. लेकिन धीरे धीरे जो है जब बारिश होती थी तो वो भीग जाते थे, जब सर्दी होती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती थी, जब सनलाइट होती थी तो वो उन्हें धूप लगती थी. तो धीरे धीरे उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि हमें घर बनाना चाहिए और घर बनाने की जरूरत धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगी. टुडे वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर, हीट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म. आज हर व्यक्ति जो है घर में रहना चाहता है, घर बनाना चाहता है अपने रहने के लिए. घर क्यों जरूरी है? क्योंकि घर जो है, हाउस जो है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है बैड वेदर से. धूप होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, रेन होता है, आंधी तूफान आता है, तो हमें घर जो है उससे प्रोटेक्ट करता है. इट कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. वो हमें चोरों से भी प्रोटेक्ट करता है. घर में जो सामान हम लॉक करके चले आते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो चोरों का हमें डर नहीं रहता. लेकिन अगर हम बाहर कहीं इसमें सामान रख देते हैं और कहीं चले जाते हैं तो वो कोई भी ले सकता है. तो हमें जो घर है वो थीव्स और एनिमल्स, इधर उधर घूमने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी बचाता है. इट ऑल्सो कीप्स अवे डस्ट, डर्ट एंड इंसेक्ट. जो घर है वो हमें डस्ट, ये धूल मिट्टी जो होती है, डर्ट होती है, गंदगी जो होती है, और इंसेक्ट्स यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इनसे भी प्रोटेक्ट करता है. जो अब फर्स्ट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं वो है काइंड ऑफ हाउस, यानी कि कौन कौन से प्रकार के घर होते हैं, कितने तरीके के, पांच तरीके के घर होते हैं. पोर्टेबल हाउसेस, कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस, स्टिल्ट हाउसेस एंड इग्लूज. ये पांच तरीके के, ये फाइव काइंड के हाउसेस जो हैं होते हैं, जिनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट है पोर्टेबल हाउसेस. पोर्टेबल हाउसेस वो हाउसेस होते हैं जिन्हें हम अपने साथ कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं. जैसे ये घर है जो पक्का मकान होता है, हम उनसे कैरी करके अपने साथ नहीं ले जा सकते. लेकिन जो पोर्टेबल हाउसेस होते हैं उनको हम अपने साथ कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं. जैसे सम हाउसेस आर पोर्टेबल, वी कैन मूव देम इजीली. हम उसे आसानी से मूव कर सकते हैं. अ टेंट इज अ पोर्टेबल हाउस. इट इज मेड ऑफ क्लोथ. सोल्जर एंड कैंपर लिव इन इट. आपने टेंट देखा होगा, जो सैनिक होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, वो टेंट बना के रहते हैं, उसी को पोर्टेबल हाउस कहा जाता है. और वो कपड़ों का बना होता है, उसे जमा नहीं, वो लोग रुकते हैं वहाँ पे, टेंट लगा लेते हैं, उसमें रहते हैं, स्टे करते हैं. जब उन्हें कहीं और जाना होता है, मूव करना होता है, तो वो टेंट हटा देते हैं. तो टेंट जो है एक पोर्टेबल हाउस है जो कपड़ों से बना होता है और सोल्जर और कैंपर्स उसमें रहते हैं. फिर आपने कश्मीर में देखा होगा या टीवीज में देखा होगा, बोट के ऊपर घर बना होता है, जिसे हाउस बोट कहा जाता है, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, वो भी पोर्टेबल हाउस का एक एग्जाम्पल है. बोट के ऊपर ही घर होता है, लोग उसमें रहते हैं और फिर जब कहीं मन हुआ उसे सेल करके कहीं भी लेके चले गए. तो पोर्टेबल हाउस, टेंट और हाउस बोट जो है पोर्टेबल हाउस की कैटेगरी में आते हैं, वो पोर्टेबल हाउस का एग्जाम्पल है. जो नेक्स्ट ये हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कच्चा हाउस. कच्चे हाउसेस जो होते हैं वो मेड अप ऑफ मड, वुड, बैम्बू, क्ले, स्ट्रॉ. जो
नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पक्का हाउस। पक्का हाउसेस जो होते हैं मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, आयरन, कंक्रीट एंड वुड आर कॉल्ड पक्का हाउस। ऐसे घर जो ईंटे के, सीमेंट से, स्टील और आयरन यानी लोहा, कंक्रीट, कंक्रीट में सीमेंट, बालू, मिट्टी सॉरी बालू और जो छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं उसको मिलाकर जो है कंक्रीट बनाया जाता है। तो ऐसे घर जो कंक्रीट से, आयरन से, सीमेंट से और ब्रिक्स यानी ईंटे से बने होते हैं उन्हें पक्का हाउस कहा जाता है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस एंड पोर्टेबल हाउसेस। ये जो हाउस होते हैं, जो पक्के हाउस होते हैं, जैसे आपकी जो ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये क्या है, ये पक्का हाउस में आएगी क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो बिल्डिंग्स होती है या जो पक्का हाउस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेरिजन टू पोर्टेबल हाउसेज एंड कच्चा हाउस। पक्का हाउस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। पक्का हाउस भी दो तरीके के होते हैं, दो नहीं चार तरीके के होते हैं पक्का हाउस। पहला एक है सिंगल स्टोरी हाउसेस। सिंगल स्टोरी हाउसेस में क्या होता है, जिसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होता है, एक ही बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर कोई और बिल्डिंग नहीं होती है। और सेकेंड डबल स्टोरी हाउसेस, जिसमें दो फ्लोर होते हैं, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल की जो बिल्डिंग है नीचे एक फ्लोर है और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, तो ये क्या है, ये डबल स्टोरी हाउस में आएगा। तो ऐसे घर या ऐसे बिल्डिंग जो जिसमें एक के ऊपर दूसरे भी बिल्डिंग बनी हुई, दूसरे भी फ्लोर होता है, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग कहा जाता है या डबल स्टोरी हाउस कहा जाता है उसे। फिर थर्ड है बंगलोज। बंगलोज में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े घर होते हैं और सामने बहुत बड़ा सा गार्डन होता है, उसे बंगलोज कहा जाता है। और फोर्थ जो है अपार्टमेंट और फ्लैट। आपने देखा होगा एक के ऊपर ढेर सारी बिल्डिंग्स होती है और उसमें कई लोग जो है छोटे 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 फ्लैट्स लेके, दो रूम किचन, तीन रूम किचन, एक रूम किचन, इस तरह का सेट लेकर जो रहते हैं वो अपार्टमेंट या फ्लैट कहलाता है। तो इस तरीके से पक्का हाउस के फोर टाइप्स होते हैं, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, बंगलो एंड फ्लैट और अपार्टमेंट। नेक्स्ट है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउसेस जो होते हैं वो ऐसे जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है। हाई रेनफॉल, अगर ये नॉर्मल घर है तो बहुत ज़्यादा पानी होने से क्या होता है, बारिश होने से पानी घरों में आने लगता है, या बारिश के समय बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो वो कीड़े मकोड़े भी आसानी से घर में आ सकते हैं। तो स्टिल्ट हाउस होते हैं वो ऐसे जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमेशा बारिश होती रहती है। ऐसे जगहों पर ये ज़मीन से ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, बैम्बू स्टिक्स लगाकर उनका जो फ्लोर होता है उसको ऊपर बनाया जाता है। घर जो होते हैं जमीन से ऊंचाई पे बनाए जाते हैं बैम्बू स्टिक के हेल्प से, लकड़ी की हेल्प से, ये लकड़ी के बने हुए घर होते हैं और हैवी रेनफॉल एरियाज में बनाए जाते हैं। लास्ट इग्लूज। इग्लूज जो है बहुत ज़्यादा ठंडे जगहों पर बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पर स्नोफॉल होती है, बहुत ठंडी होती है, ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं क्योंकि जो इग्लूज होते हैं वो बर्फ के बने हुए होते हैं। ये जो घर होते हैं वो स्नो यानी कि बर्फ से बने हुए घर होते हैं। अगर यहाँ पे ऐसी जगहों पे जहाँ गर्मी होती है वहाँ पे बर्फ से घर बना दिया जाएगा तो वो स्टे नहीं कर पाएगा, वो पिघल जाएगा। लेकिन ये ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि बर्फ पिघलती नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पर बनाए जाते हैं ये बर्फ से या स्नो से बने हुए घर होते हैं। और इसमें रहने वाले लोग, जो ऐसे लोग जो इग्लूज में रहते हैं उन्हें इन्यूट्स कहा जाता है। ठंडी जगहों पे बनाए जाते हैं और बर्फ से बने होते हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया काइंड्स ऑफ हाउस, पोर्टेबल हाउस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टिल्ट हाउसेस एंड इग्लूज। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ हाउसेस, यानी कि एक घर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हर घर में जरूरी नहीं कि सारे पार्ट्स हों, लेकिन मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं वो हर घर में हमें मिलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है चिमनी। चिमनी देखिए आपने बुक में भी देखा होगा, चिमनी जो है ऊपर होती है, जरूरी नहीं कि हर घर में चिमनी हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने घर में किचन के ऊपर चिमनी बनाते हैं। ये चिमनी क्या करती है, जो किचन में खाना बनने के समय जो ऑयल होता है या जो स्मेल होती है या जो जो एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो चिमनी के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, तो जिसकी वजह से कमरा या किचन ज़्यादा गर्म नहीं होता है और उसको वो बाहर कर देता है। तो चिमनी जो है वो
स्मोक को और स्टीम जो खाने बनाने के समय होता है उसको वो बाहर करती है। नेक्स्ट है रूफ। रूफ यानी कि छत। छत जो होती है वो हमें रेन से धूप से बचाती है, तो रूफ जो है वो हर घर में होता है, छत जिसे कहा जाता है, जो हमें रेन से बचाती है, धूप से बचाती है। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर यानी कि फर्श। फर्श जो है हमें चलने के लिए, हमें वॉक करने के लिए और रूम में एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए हमें फ्लोर की जरूरत होती है, फ्लोर जो है। नेक्स्ट है किचन। किचन यानी रसोई घर। किचन में जहाँ खाना बनाया जाता है वो हर घर में होता है किचन। किचन में खाना बनाया जाता है। और फिर नेक्स्ट है वॉल्स। वॉल्स यानी कि दीवार। दीवार क्या होती है? दीवार जो एक घर को दूसरे रूम से अलग करती है। हर घर में वॉल होती है जो एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट करती है। नेक्स्ट है वो है आपका एंट्रेंस। एंट्रेंस यानी कि जो दरवाजा, जो मेन दरवाजा होता है जहाँ से हम अंदर घुसते हैं किसी भी घर में, जो मेन दरवाजा होता है उसे एंट्रेंस कहा जाता है। और एंट्रेंस जो होता है उससे हम घर के अंदर इंटर करते हैं। नेक्स्ट है विंडो। विंडो यानी कि खिड़की, जो हर घर में होती है, बहुत ज्यादा खिड़कियां दरवाजे होते हैं हर घर में। ये विंडो क्या करती है? हवा, फ्रेश एयर घर के अंदर आने के लिए बनाई जाती है, ताकि बाहर की जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर आ सके। तो ये जो है विंडो अलाउज फ्रेश एयर टू कम इन। और फिर नेक्स्ट है बेडरूम। बेडरूम जहाँ पर बेड लगा होता है और हम वहाँ पर सोते हैं, तो बेडरूम वो कमरा होता है जहाँ पर लोग सोते हैं, सोने के लिए जो कमरा यूज किया जाता है, जहाँ पर बेड लगाया जाता है वो बेडरूम होता है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग रूम। ड्रॉइंग रूम जो है वो कमरा होता है जहाँ पर गेस्ट आकर बैठते हैं, जहाँ पर हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, जहाँ पर सोफा चेयर लगा दी जाती है और वहाँ पर हम अपने गेस्ट को बिठाते हैं, उसे ड्रॉइंग रूम कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो घर होता है उसमें ये पार्ट्स होते हैं, मैक्सिमम पार्ट्स होते हैं वो हर घर में देखने को मिलते हैं। हर घर में चिमनी भले ना हो लेकिन रूफ जरूर होता है, और फ्लोर, किचन, वॉल्स, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हर घर में हमें देखने को मिलती हैं। तो एक दो चीज़ मिसिंग भी हो सकती है, अदरवाइज ये जो पार्ट्स हैं वो हर घर में हमें देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ हाउसेस विच वी आर हैविंग इन आवर हाउस। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी, काइंड ऑफ हाउसेस, पोर्टेबल हाउस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, स्टिल्ट हाउस एंड इग्लूज। अगेन मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि पोर्टेबल हाउस वो हाउस होते हैं जिन्हें हम अपने साथ मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। कच्चा हाउस वो हाउस होता है जो मिट्टी का बना होता है और जो जिसे झोपड़ी भी कहा जाता है, हट कहा जाता है। पक्का हाउस वो हाउस होता है जो सीमेंट से, कंक्रीट से, ब्रिक से बना होता है। और ये जो है कंपैरिजन, जो पोर्टेबल हाउस और कच्चा हाउस, ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और स्टिल्ट हाउस, स्टिल्ट हाउस वो हाउस होता है जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में बनाया जाता है। इग्लूज वो घर होते हैं जो बर्फ से बनाए जाते हैं और ये बहुत ही ठंडे एरिया में बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने काइंड ऑफ हाउस और पार्ट ऑफ हाउस जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया। आगे का जो रेस्ट ऑफ द लेसन है